एसु राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। नमस्कार साथियों, मैं त्रु कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज पाठ 17 ये कविता है टेसु राजा, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हम इसी तरह आपसे जुड़े रहें और मैं जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचें सबसे पहले। तो चलिए आज की कविता का सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे, इस कविता को समझेंगे। इस कविता को लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने, टेसु राजा। तो बहुत ही अच्छा चित्र भी बना है, ये देखिए मुर्गा बैठा है झोपड़ी के ऊपर, ये पेड़ है, बहुत अच्छे चित्र हैं आपकी किताब में। इन्हें आप बनाया करें पेंसिल से रब कॉपी पर और अभ्यास किया करें, अपने शिक्षक को दिखाया करें और आप हमें भेजा करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984381139। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। टेसु राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, मैलू खूब उभार उन्हें, फूल जाए वह सब के सब, उन्हें दही में डालू तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी बर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसु राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, टेसु राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। कितनी प्यारी सी कविता, देखिए ये टेसु राजा हैं और अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि मुझे दही बड़े खाने। तो माँ ने इस कविता के माध्यम से और कवि ने इस कविता के माध्यम से हमको बताया कि दही बड़े कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। तो देखिए, पहले बताया कि उन्हें खेत में खुदाऊं, उसमें फिर उड़द उगाऊं, पहले खेत को जोता जाएगा खोदा जाएगा, उसमें फिर उड़द की फसल लगाई जाएगी, फिर फसल काटी जाएगी, फिर उसे छाना फटका जाएगा, फिर उसकी पिट्टी पिसवाई जाएगी, फिर टिकिए गोल गोल बनाए जाएंगे, फिर बेलन से बिलवाए जाएंगे, फिर चूल्हा फूंका जाएगा, फिर तले जाएंगे, फिर पानी में डाले जाएंगे, फिर उनको उबाला जाएगा, फिर जब सब फूल जाएंगे तो उसमें दही नमक मिर्च नमक डाला जाएगा, फिर चांदी का बर्क लगाया जाएगा, फिर उनको दही में डाला जाएगा और बच्चों को खिलाया जाएगा। तो आप अपने मम्मी से ये पूछ सकते हैं कि दही बड़े कैसे बनते। बहुत ही सुंदर सी कविता, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई, रामधारी सिंह दिनकर, और इस चित्र को बनाए जरूर। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। साथियों, प्यारे बच्चों, बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले में जन्मे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक कवि एवं निबंधकार हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत के चार अध्याय उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सबसे प्रमुख कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, ये याद करके रखिए। आप जब बड़े हो जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के तहत। टेसु राजा, बेटे का नाम टेसु है जिसने माँ ने प्यार से टेसु राजा कहा। अरे खड़े, किसी चीज़ के लिए जिद करना, जिद पूरी होने तक खड़े रहना, पिट्टी पिसवाना, भीगी उड़द या मूँग की दाल को पिसवाना। टेसु राजा किस बात के लिए ले, उनको दही बड़े खाने, बाकी कठिनाई क्या, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना है। टेसु की माँ के पास उड़द होते हुए तो क्या क्या नहीं करना पड़ता कविता को, तो बाकी सारे काम तो कर नहीं पड़ते। कविता को पढ़कर पढ़े, दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया चरणों को क्रमशः लिखिए। तो ये आप कविता को पढ़ें लिखें और अपने बड़े भाई बहन, अपने मम्मी पापा से पूछें, सोच विचार कर बताइए अपनी माँ से कब और किस बात के लिए जिद की। आप भी जिद करते, जिद करना अच्छी बात, बच्चे करते, लेकिन ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। क्या पता घर में वो चीज़ हो या ना हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती। माँ ने वो जिद कैसे पूरी की, तो ये सब बताया। क्या हमें जिद करनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं। आपने अपने घर में किसी दुकान पर या किसी अन्य स्थान पर इन कामों को होते देखा, आलू की टिकिया बनाना, लेकिन आप जो सड़क पर
खाते हैं, तो ये देखें कि वो साफ सफाई से और क्या वहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए तभी खाएं। बेसन की पकौड़ी बनाना, मिट्टी से घड़ा बनाना जरूर देखिए बच्चों, इन्हें सीखना नहीं लेकिन हाँ से इनसे जुड़ें, देखें कि क्या प्रक्रिया रहती है। आटे से रोटी बनाना, आटे से रोटी बनाना तो आप घर पर ही देखते होंगे। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं इस पाठ से जुड़ा हुआ। और हाँ, मिट्टी के खिलौने आप बनाएं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है, इससे क्रिएटिविटी आती है, आप ऐसा जरूर किया करें। भाषा के रंग कविता में तुकान शब्द खूब आए, जैसे अड़े खड़े बड़े लाऊं खुदाऊं उगाऊं, इन्हें ढूंढ कर लिखिए। पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखिए, जिसमें ये चंद्र बिंदी होती है कहाँ जहाँ। दही बड़ा की और तरह अगर रोटी बनानी हो तो कविता कैसे बनेगी। खाली स्थान को भरिए तो उसी तरह भरना है आपके घर में। इसे आप नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे, आपके घर में खाना कौन कौन बनाते हैं, आप इस काम में उनकी क्या मदद करते, जो भी कर सकते करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ नई कविता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, घंटी का बटन भी दबा दिया होगा, अब लेकर आएंगे आपके लिए कुछ नया। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।